हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू एप्स अपडेट यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं बताऊंगा अगर आप जियो सिम यूज़ करते हो तो जियो सिम में आप कैसे 5G जी इन्वोल्व कर सकते हो और फिर अनलिमिटेड नेट कैसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि 5G जी इन्वोल्व कर देने के बाद अनलिमिटेड नेट यूज़ नहीं होता है तो आज मैं लाइव टू लाइव दिखाऊंगा कि आपके जियो सिम पे आप कैसे फाइव अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसे एक सेटिंग करना है फिर जो है आप अनलिमिटेड फाइव नेट आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो किसी भी गाँव पे रहो या किसी भी शहर पर रहो या कहीं पर भी रहो आप ये ऑफर अवेलेबल आपके फोन में कर सकते हो तो वो कैसे होगा इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को दोस्तों आपको शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही सिर्फ चैनल अपडेट में दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ तो बिना डैमेज के चलो देखते हैं लेट्स दोस्तों जैसे कि अभी देख सकते हो मेरे फोन में ये जो फोर है तो आपको शायद पता है कुछ दिन पहले जो अपडेट आया था ये फोर फोन जो भी नेट है जियो अगर आप यूज करते हो जियो सिम को तो फाइव कर सकते हो और अनलिमिटेड नेट को यूज कर सकते हो तो कुछ सेटिंग करना है तो इस वीडियो को बताऊंगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखना तो एक रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हो वीडियो को देना है आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ऑल वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है और जो वीडियो देख रहे हो सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स आएगा यहाँ पे एड ए कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है जियो अनलिमिटेड जियो अनलिमिटेड फील लिख देना है आपको फाइव जी जियो अनलिमिटेड फाइव जी नेट यूज ये एक कमेंट कर देना है जैसे ये कमेंट कर दोगे दोस्तों आपके पास ये कमेंट हो जाएगा फिर दोस्तों आपको करना क्या होगा आपका जो प्ले स्टोर है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है आपको आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको जो हमारे आपके पास ऐप है जैसे कि यहाँ पे माई जियो सार्स करोगे अगर नहीं है तो इस ऐप को आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन आप करना है ओपन करने के बाद जो भी आपका जियो सिम है जियो सिम से आपको लॉगिन कर लेना है लॉग इन करते ही सार्स के नीचे देखो मोबाइल फाइव जी की तरह एक सेटिंग आएगा देख सकते हो तो इसी 5G में आपको क्लिक करना है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तो इसी मोबाइल 5G में जैसे आप क्लिक करोगे तो 5G में क्लिक करने के साथ साथ थोड़ा नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना जियो ट्रू 5G जी यहाँ पर दिखाएगा तो सबसे पहले आपको देखना है 5G, Check, 5G Radiance, फ्रेक, चेक 5G चे, जी चेक 5G जी रेडियंस और फाइव जी चेक तो आप जहाँ पर रहते हो आप जिस ज़िले पर रहते हो जो स्टेट पर रहते हो जिस गाँव पर रहते हो उस गाँव में फ़ाइव जी कवरेज है कि नहीं सबसे पहले आपको फाइव जी कवरेज चेक ये करना है जैसे ये फाइव जी कवरेज चेक पर क्लिक करोगे तो अगर आपके आजू बाजू में है तो यहाँ पे जियो ट्रू फाइव जी live मतलब मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे अवेलेबल है तो अभी बैक करता हूँ पहले ये देख के फिर आपको करना क्या होगा ये जो चेक 5G जी रेडियंस इसमें आपको क्लिक कर देना है और इसमें क्लिक कर देने के साथ साथ आपका 5G सिम पे कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा देखो कॉन्ग्रेचुलेशन जो कि आपका देख सकते हो ट्रू 5G जी एज पार्ट ऑफ जियो वेलकम फॉर यूज अनलिमिटेड ट्रूली फाइव जी डाटा विथ स्पीड्स अप टू वन जी बी बेस एट नो एडिशनल कॉस्ट मतलब कि बोल रहे हैं अनलिमिटेड हो जाएगा तो ये मैंने कर लिया तो आपको भी यही करना है कॉन्ग्रेचुलेसन दिखाएगा फिर आपको बैक कर देना है फिर इतना कर देने के बाद फिर जो है आपको आपके फ़ोन पर एक सेटिंग करना है तो ये सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में सेटिंग में आना है फिर आपको सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क का एक सेटिंग मिलेगा इसमें क्लिक करना होगा फिर आपका जो भी जियो सिम है जियो सिम पे आपको क्लिक कर देना होगा और क्लिक कर देने के बाद सिंपली एक सेटिंग यहाँ पर कर लेना होगा जैसे कि एक्सेस पॉइंट नेम्स तो एक्सेस पॉइंट नेम्स पर यहाँ पर इंटरनेट रहेगा जैसे कि अभी देख सकते हो अभी भी मेरा नेट फोर पास तो इसको 5G करने के लिए न्यू ए करना होगा जैसे न्यू ए पे क्लिक करोगे न्यू ए क्लिक कर देना तो ईडिट एक्सेस पॉइंट यहाँ से आपको खुद से करना होगा फिर यहाँ पे एडिट एक्सेस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ आपको छेड़छाड़ करना होगा यहाँ पे छेड़छाड़ मतलब कि यहाँ पे आपको एडिट एक्सेस पॉइंट पे नेम पे क्लिक करना होगा नेम पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे 5G इनेबल करने के लिए आपको लिख देना होगा हैगजा फिर लग होगा फिर फाइव फिर लिख देना होगा जी फिर लिख देना होगा बॉट हेक्सा फाइव जी बॉट लिख के ओके okay कर देना होगा फिर नेम की जगह यहाँ पे फिर ए पी एन एपीएन की जगह यहाँ पे नॉट सेट आएगा तो ए पी एन में आपको लिखना होगा जियो डॉट नेट ये लिख के ओके कर देना होगा फिर प्रॉक्सी आएगा प्रॉक्सी यही रहने देना है फिर पॉट भी यही रहने देना है फिर यूजर नेम में आपको यहाँ पर जो यूजर नेम आता है इसमें भी आपको फिर से हेक्सा फिर लिख देना होगा आपको फाइव जी फिर लिख देना होगा आपको बॉट यही लिखना होगा फिर पासवर्ड सेम रहने फिर सार्वर सार्वर मेन चीज है यहाँ पे आपको लिख देना होगा डब्ल्यू डब्ल्यू तीन बार फिर गूगल फिर लिख देना होगा डॉट कॉम ये लिख के ओके कर देना होगा ठीक है फिर एम एम एस सी ये यही है फिर ये सब ऐसे ही रहने देना है फिर अथन अथनेशन टाइप इसमें आपको क्लिक करके पी ए पी और सी एच ए पी ये दोनों कर देना है ठीक है ये कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एपीएन टाइप जो देख सकते हो एपीएन टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे वन लिख देना है फिर ओके कर देना है फिर यहाँ पर एपीएन प्रोटोकॉल ये पी ए पी यही देना है फिर यहाँ पे नीचे आके ये जो एम भी एन ओ टाइप यहाँ पर भी नन आएगा तो नन आने के बाद ए आई सी आई सी सी आई डी ये लिख देना है ये कर देने के बाद मोर पे क्लिक करके सेव कर देना है ठीक है मोर पे लिख के सेव कर देने के बाद सिंपली अभी आपको हेक्सा बोर्ड पे सिलेक्ट कर देना होगा फिर यहाँ पे जो आपका कनेक्शन है ये देख सकते हो यहां पे 4G से यहां पे अभी भी 4G रहेगा ठीक है फिर अभी बैक कर देना होगा फिर बैक करके और एक सेटिंग करना होगा जो मोबाइल नेटवर्क के ऊपर देख सकते हो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप तो आपको इसी प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे क्लिक करके यहां पे अगर आपका प्रेफर एल लिखा है तो आपको प्रेफर फाइव कर देना है और जैसे ही प्रेफर फाइव करोगे तो अभी भी फोर है तो अभी आपको करना क्या होगा बैक कर देना होगा कर देने के बाद इतना सेटिंग करना है कर देने के बाद सिंपली आपको करना क्या होगा सिंपली ये देखो अभी नेट ऑन है अभी देखो एक सेकेंड के अंदर ही आपका फोर से फाइव हो जाएगा जैसे कि ये देखो देख सकते हो यहाँ पे अभी 4G था लेकिन अभी फिलहाल 5G हो चुके हैं अगर आपका 5G होने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है तो आपका फोन जो है एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करो फिर आपका फोन में 5G का अनलिमिटेड नेट को यूज कर सकते हो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फ़ोन पर इसी तरह से 5G जी इन्वॉल्व कर सकते हो और अनलिमिटेड नेट को यूज़ कर सकते हो तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला और वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ऑल वाला बेल पर दबा के जरूर रख देना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले दिन अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो जय हिंद